आ गए तुम? हाँ भाई बोल, ये नेहा के साथ क्या चल रहा है तुम्हारा? क्यों क्या हुआ, सुबह आई थी वो, क्या बोली? प्रॉब्लम यह कि तू बात नहीं कर रहा उससे। ऑल दैट, क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड व्हाई शी वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली आजकल तो जब भी वो मुंह खुलती है, मन मन करता है उसके मुंह में घुसेड़ दूं। ट्रस्ट मी यार, 6 महीने में हार्ड इट ऑल सब देख लिया मैंने। अभी कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काहे की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एंटर इनटू योर ऑल हैप्पीनेस। उसके बाद ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इज उसका खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। ए हैप्पी वुमेन इज ए मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, साला जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती रही तुम तो कुछ करते नहीं हो, ना कारा हो, ना पुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया उस दिन बोली तुम तो बैटमैन बन गए, अरे मुझे तो नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। सब सारा ना बॉलीवुड का दोस्त है, ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला। एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, कहानी खत्म। इसकी बात की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसकी बात की कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, हग किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। सारी शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, पहले क्वेश्चन आए, फिर कर्टन्स आए, फिर क्वेश्चन कर्टन से मैच नहीं किया तब एक और क्वेश्चन आए। साले मांग इतने मेरे यहाँ कि उसे बेच नहीं जाओ तो महीने का खर्चा निकल जाए। एक तो जो चीज़ खरीदनी जाए वो चीज़ खरीदती नहीं है। 2 हफ्ते दिमाग चटेंगे टेबल लेना है, टेबल लेना है। 5 घंटे मॉल में बिता के सड़ी सी चप्पल उठा के ले आएंगे, फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चटेंगे टेबल लेना है, टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, SMS आ जाएगा आई लव यू, ठीक है मैं भी SMS कर देता हूँ आई लव यू टू। इसके बाद SMS पे SMS शुरू। अबे काम क्या करती हो ऑफिस में, 2 SMS का रिप्लाई मत करना, तुरंत फोन आएगा। फोन मत उठा तो 10 मिनट में मैसेज आ चुका होगा आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनी मोर। 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनी मोर, दिस इज नॉट एवन डाउन। अब पता चला इन आदमियों के ये इतना हार्ट अटैक क्यों होता है, और ये गे बंदे इतना सक्सेसफुल क्यों होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव वुमेन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस। ना लोग कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमेन, ट्रू, बट कोई ये नहीं बताता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन ऑल्सो देयर इज ए वुमेन। ये तो वही बता सकता है ना, क्योंकि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कई गुना ज्यादा है इस दुनिया में। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा, फिर खाना नहीं खाएगी, फिर भूखी सो जाएगी। अरे मैं कह रहा हूँ खा लो तो दिक्कत क्या करूँ, नौकरी छोड़ दूँ, फिर इन्हें मनाओ, इन्हें जाके इसके घर जाओ, इन्हें मनाओ, इन्हें खिलाओ, इन सबके बाद तो खुद की भूख तो वैसे ही मर जाती है। इन सबके बाद भी अगर किसी तरह किसान एक इंसान अगर कोने में जाके बैठा हुआ है चुपचाप, तो क्या घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, ये सोच रहा हूँ तेरे मुंह कैसे बंद करूँ, क्या सोच रहा हूँ कैमरा लगा दो दिमाग में। इन सब के बाद वी नेवर टॉक, वी नीड टू टॉक, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनी मोर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ यू कैन नॉट डिस्कस एनी थिंग विथ वुमेन, बिकॉज दे कॉल इट अ डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विथ वुमेन इज एन आर्गूमेंट। और आर्गूमेंट में तो बॉस तू उससे जीत ही नहीं सकता, क्योंकि हम आदमियों की बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्गूमेंट। लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता आर्गूमेंट जैसे बेकासी चीज की वजह से वो आर्गूमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की बात पे आर्गुमेंट आज होगा ही नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद, यहाँ साले याद भी नहीं होता कि 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियाँ बचा के रखती है, ये छोटा हथियार नहीं, ये बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। अबे तू कभी ट्राई करियो खुद को सही साबित करने की, तुझे लग ही रहा होगा कि इस पॉइंट से तू अपनी बात को साबित कर लेगा, लेकिन तभी एक आवाज आएगी उंगली नीचे करो। तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन एक तरह एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, और सडनली द होल आर्गुमेंट विल फ्लश ऑन द गटर, और मुद्दा ये रह जाएगा कि हाउ डेयर यू पॉइंट ए फिंगर एट मी, किसने बना लू, किसने सला सला वो बीच आर्गुमेंट में तो जूता फेंक के मारू तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम उसकी तरफ एक उंगली पॉइंट कर दो तो सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत। सादिक पहले वो नागिन बिन क्यों बसता है, क्यों बसता है, क्योंकि बैंड वाला भी तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, इनका सिग्नेचर ट्यून है वो। अब तू बता वो क्यों आई थी तेरे पास यहाँ, सेम चीज मैं करूँ तो उनके किसी फ्रेंड को कॉल करके अपने प्रॉब्लम्स गिनाओ तो कहेगी अच्छा तूने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, अच्छा तुम उसके सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाट यू वांट इन स्लीप इधर, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप इधर, इट्स रिडिकुलस यार।